नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, अगर ऐसा आपके पास कोई कांटा हो और चार्ज नहीं कर रहा है, मतलब लगाने पे हमारी चार्जिंग नहीं आ रही, तो आपको क्या क्या चेक करना है, कैसे कैसे चेक करना है, और आप कारीगर हो चाहे ना कारीगर हो, उपभोक्ता हैं तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। साइज चाहे इतना बड़ा हो चाहे इससे बड़ा हो, सब में एक ही बराबर व्यवस्था बना रहता है। इससे छोटा होगा तो उसमें भी यही रहेगा। देखिए, हम खोल के पहले से रखे हैं इसको। अब देखिए, इसको हम बाहर निकाल लिए, इससे हमारा कोई लेना देना भी है नहीं। यहाँ इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहा था, किसी किसी में SMPS रहता है दोस्तों चार्ज करने के लिए। अब इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर का बोल्ट लिखा नहीं रहता इस पर। अक्सर कांटा वाले हम देखे हैं किसी पे वोल्टेज नहीं, कितने वोल्ट का, देखिए इसे देखेंगे तो आपका कोई वैल्यूएशन ना ही एम्पियर कुछ नहीं लिखा रहता है। तो ये कितने का है आपको बता दें, ये 6 वोल्ट 1 एम्पियर की का ट्रांसफार्मर है। 6 वोल्ट 6 वोल्ट 1 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर होता है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी होती है, इसको चार्ज करता है। तो अब ये ज़्यादातर क्या होता है, या तो इसमें एक मेन लीड है, देखिए एक मेन लीड लगा हुआ है और एक ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला चरण आपका होता है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको मेन लीड को चेक करना है। तो यहाँ हमारा मेन लीड बिल्कुल लग के है, ज़्यादातर मेन लीड सही मिलता है क्योंकि इसमें लीड बहुत अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं सब। और ये जो है ट्रांसफार्मर ज़्यादा ख़राब होता है, तो ये ट्रांसफार्मर इसमें ख़राब है। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कहाँ रहता है, कार्ड में, यहाँ पर इंगित भी होगा, लिखा भी होगा, ये देखिए TPF कोड पड़ा हुआ, नहीं TRF है, TRF ट्रांसफार्मर का TRF इसे लिखा हुआ है। ये इस पर एक सिलका जेल रखी हुई है, चिपका दिया है, देखिए सिलका जेल है कि इसमें नमी नहीं आ रही इस बोर्ड में, इसलिए लगा हुआ है। तो आपको अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो पहला स्टेप में आपको ये मेन लीड चेक करना है। कैसे चेक करना है ये भी बताएँगे, और नया ट्रांसफार्मर लगाना है या पुराना चेक करना है ये भी बताएँगे, तो बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, एक और हमारे पास कांटा रखा हुआ था, इसका ट्रांसफार्मर निकाल के हम इसमें लगा लिए हैं। अब चेकिंग कैसे करना है, सबसे पहले मेन लीड चेकिंग आपको करके दिखाएंगे हमारे इंजीनियर साहब, बड़े दिन के बाद आए हुए हैं। हाँ देखिए यहाँ पे, और कंटिन्यूटी पहले चलिए बता रहा है, भी बता रहा है, चलिए रेजिस्टेंस 0 रेजिस्टेंस बता रहा है, मतलब वायर सही है, बताया तो था एक बार। हाँ देखिए वायर सही है, दूसरा वाला ले लीजिए, दूसरा वायर, हाँ दूसरा वाला चेंज कीजिए, देखिए ये भी सही है, 0 रेजिस्टेंस मतलब वायर सही है। अब आप ट्रांसफार्मर प्राइमरी सिरा जिस पे सप्लाई दी जाती है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया 548 ओम्स आ गया। सेकेंडरी ले लीजिए ट्रांसफार्मर का, सेकेंडरी वैसे जल्दी फेल होता नहीं है, रेयर टाइम में सेकेंडरी फेल होता है। देखिए ये भी 2 ओम्स आ गया। तो ये ट्रांसफार्मर की चेकिंग हो गई। अब लगाना कैसे है, करना क्या है इसमें, अब प्राइमरी को डायरेक्ट जो है इसमें ऐड के स्लीव है चढ़ा दिया जाएगा, सेकेंडरी को यहाँ पे सोल्ड किया जाएगा, वहाँ पे क्या भाई, हमारे इंजीनियर साहब कभी कभी ज़्यादा आगे हो जाते हैं। हाँ ठीक है स्लिप चढ़ाइए। अब इसको वायर बनाया जा रहा है सेकेंडरी सोल्डरिंग करने के लिए। देखिए जानकार के लिए तो बहुत ही छोटा नॉलेज है, पर जो भाई नहीं जानते हैं इसके बारे में उनके लिए यही चीज़ बड़ा है। चार्जिंग नहीं आ रहा था, तो चार्जिंग नहीं आने के कंडीशन में आपको ट्रांसफार्मर ही है गलवाता है, कार्ड में ख़राबी जल्दी आता नहीं है, बहुत कम खराबी आता है कार्ड में। तो दोस्तों देख सकते हैं सोल्डरिंग हो गया हमारा फर्स्ट क्लास। अब इसका जो है बाकी पैनल लगा के देखा जाए क्या कंडीशन है। अलग बा तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा इंडिकेटर आ गया, चार्ज होना शुरू कर दिया, और बिल्कुल ओके है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम छोटी चीज़ है। ये हमारा कांटा भी ऑन हो गया। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकनों को ऑन कर लें,
अगले वीडियो के लिए बोलते हैं आपसे, जय हिंद जय भारत।